दोस्तों, हज़रत मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन रेशम की तरह नरम और फौलाद की तरह सख्त होता है। काम मेरी निगाह में ऐसा ही मुकद्दस है जैसे इबादत। मेहमान नवाजी पैगंबरों का खासा है और फ़ख्र की पहली मंजिल कस्ब हलाल है। इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि नेक अमल कभी ज़ाय नहीं होता। दिल एक ऐसी चीज़ है जो अमीर के पहलू में नहीं होता। यकीन एक अजीम क़ुव्वत और इंसाफ एक बेशबहा ख़जाना है और सब्र एक अजीम सआदत। मुसलमान की हकीकी असास तौहीद और ख़त्म नबूवत के अकीदे पर है। एक बड़े उस्ताद की हैसियत सूरज की सी है जो अपनी रोशनी और हरारत हर चीज़ तक बेकमोकाश्त पहुँचाता है। इंसानी पैदाइश का मकसद तस्खीर कायनात है। ग़ुलामी बहुत बड़ी लानत है और महकूमी भी। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन भी है और दुनिया भी। इसके बगैर इंसान न दीन का रहता है और न दुनिया का। वो बंदा कभी जलील नहीं हो सकता जिसमें एक ख़ूबी हो कि वो आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो शख्स अपनी आज़मत के गीत गाए वो कभी अजीम नहीं बन सकता। ज़िंदगी मौत की इब्तिदा है और मौत ज़िंदगी का आगाज़। क़ल्ब की फितरत ही ऐसी है कि वो मोहब्बत से राम हो सकता है, मुखालफत और अदावत से नहीं। इल्म की जस्तगु जिस रंग में भी की जाए इबादत ही की एक शक्ल है। तुम कामयाबी और नाकामी पर नज़र न करो, अपने मकसद तख्लीक को पहचानो और जद्दोजहद किए जाओ। मुसीबत एक आतिया खुदाबंदी है ताकि इंसान पूरी ज़िंदगी का मुशाहिदा कर ले।